बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकाइनोडर्मेटा। तो बेसिकली जब हम एकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो एकाइनो का मतलब है स्पाइन और डर्म कहते हैं हम स्किन को। तो ये वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस लगे हुए होते हैं। तो डेट्स हम कहते हैं ये स्पाइनी स्किन एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो जो स्पाइन होते हैं वो लाइक दिस, इस तरह के इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके जनरल फीचर की और जनरल कैरेक्टरिस की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है हैबिटेट। तो हैबिटेट में हम देखते हैं तो ये एक्सक्लूसिवली मेरीन। तो एक्सक्लूसिवली मेरीन से मतलब ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सी बॉटम में ये होते हैं, इनमें से कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और कुछ जो है वो किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डाइवर्सिटी। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इस फाइलम की 5000 स्पीशीज़ जो हैं वो नॉन है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपके पास स्केल्टन। तो स्केल्टन की जब हम बात करते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो एपिडर्मिस से कवर्ड हुई होती है और मेसोडर्मल सेल्स इनका एक्सोस्केल्टन बनाते हैं, जो कि किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। वो इसके एक्सोस्केल्टन के ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि इसका एक्सोस्केल्टन मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है, डेट्स है हम इनको एंडोस्केल्टन भी कह सकते हैं। जब हम बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको पता है कि 3 जर्म्स लेयर्स होती हैं। इनमें सबसे पहले आ जाती है एक्टोडर्म, सेकेंड वन इज मेसोडर्म, थर्ड वन इज एंडोडर्म, सिलोमेर्स। सिलोमेर्स की जब हम बात करते हैं तो अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में ये देखा था कि जब एसेलमेंटीज के बाद एसेलमेंटीज जो हैं वो रखते हैं सीडोसिलोमेर्स होते हैं। इसके बाद जितने भी फाइलम आते हैं वो सारे के सारे सिलोमेर्स होते हैं। तो सिलोमेर्स से मुराद ये होगा कि इनके पास ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है। जब हम इनके सिमेट्री की बात करते हैं तो ये रेडियस सिमेट्री रखते हैं। रेडियस सिमेट्री तब होते हैं जब ये एडल्ट में आते हैं। तो जब लार्वा स्टेज होते हैं तब ये कौन सी सिमेट्री रखते हैं, बायलेटरल सिमेट्री हैं। अगर हम माउथ फॉर्मेशन और एनस फॉर्मेशन की बात करें तो माउथ जो है वो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है और लोअर सरफेस जो है जो ओरल वर्ड है वो लोअर सरफेस के लिए भी यूज़ होगा। जब एनस की बात करते हैं तो अपर सरफेस के पे एनस होगा और जिसको हम क्या कहेंगे, अब ओरल कहेंगे। तो अगर आपको अब ये वाली जो साइड है मेरे हाथ की नीचे वाली साइड, तो यहाँ पे नीचे वाली साइड पे लो सरफेस के ऊपर क्या है, माउथ की फॉर्मेशन है और ऊपर वाली सरफेस के ऊपर क्या है, एनस की फॉर्मेशन है। अब जहाँ पे माउथ होगा तो उस साइड को हम क्या बोलेंगे, माउथ वाली साइड को हम बोलेंगे वेंट्रल साइड, और जहाँ पे एनस होगा उस वाली साइड हमको क्या बोलेंगे, उसको हम डॉर्सल साइड बोलेंगे। तो डेट्स वाई माउथ जो होगा इनका वो निचली वाली साइड पे होगा लोअर सरफेस के ऊपर वेंट्रल साइड पे, और जो एनस की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी, वो अपर साइड पे, अपर सरफेस पे होगी, वेंट्रल साइड पे होगी। तो दरमियान में होती है इनकी सेंट्रल डिस्क, ठीक है। अब ये है इनके पास सेंट्रल डिस्क और यहाँ से क्या होता है, इनकी आर्म जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास शेप्स। तो बॉडी शेप्स की हम जब बात करते हैं तो इनमें से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट शेप रखते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है फ्लैटन। तो इनकी फ्लैट शेप भी होती है, जैसे आप एग्जांपल ले लो बिस्किट होते हैं, लाइक दिस इनकी शेप होती है। तो इनमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है केक अर्चिन की आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ जो है वो स्टार शेप भी रखते हैं, लेकिन उनकी जो आर्म्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। अगर मैं ड्रॉ करने की ट्राई करूँ तो ये आपके पास स्टार है, स्टार फिश है। अब इसकी जो आर्म्स हैं वो क्या हैं, वो इसकी शॉर्ट आर्म्स हैं, और कुछ जो है वो स्टार शेप रखते हैं लेकिन उनकी जो आर्म्स होती हैं वो क्या हैं, वो थोड़ी सी लॉन्ग है, लाइक दिस, ठीक है। और कुछ होते हैं वो क्या हैं, वो ग्लोब्यूलर हैं, उसकी लाइक बॉल की तरह उनकी शेप होती है और इसके ऊपर ये स्पाइंस लगे होते हैं, जैसे कि सी अर्चन है इसके ऊपर स्पाइन लगे होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं। एलोंगेटेड की हम बात करें तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगी, सी कोकम्बर की एग्जांपल आ जाती है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये एलोंगेटेड शेप होगी और ये इसकी बॉडी के ऊपर ये लाइक दिस, ठीक है। अच्छा,
अब जो फ्लैटेंड बॉडी शेप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है सी अर्चन की, जो स्टार शेप होते हैं जिनकी आर्म्स क्या होती हैं शॉर्ट होती हैं उसमें आपके पास स्टार फिश की एग्जांपल आ जाएगी, और इसमें जो स्टार शेप जिनकी लॉन्ग आर्म्स होती हैं उनमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगी बीटल स्टार की, और ग्रेबुलर में आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है सी अर्चन, एलोंगेटेड वन में आ जाती है सी कुकम्बर की। नेक्स्ट है आपके पास वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इकाइनोडर्मेटा। तो इस सिस्टम को हम एम्ब्रियोलैटरल सिस्टम भी कहते हैं। बेसिकली ये मैंने पहले स्टार फिश की जो है पिक्चर ड्रॉ कर ली थी, तो इसमें होगा क्या थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बता दूंगी। तो सबसे पहले ये स्टार फिश की 5 आर्म्स हैं, और यहाँ से इसका एक सीव लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको हम क्या कहते हैं मैड्रीपोराइट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है मैड्रीपोराइट, सेव लाइक ओपनिंग होगी उसका हम क्या बोलेंगे मैड्रीपोराइट। अब इसकी ये एक ट्यूब आई हुई है, मैं मार्कर दूसरा सा चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा कलर। अच्छा, अब ये जो है ओपन हो रही है एक और ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब ये ट्यूब आगे फर्दर दूसरी ट्यूब्स को लीड कर रही है, आर्म्स के अंदर इसकी फर्दर ट्यूब्स जा रही हैं। हर आर्म्स के अंदर अब जो मैड्रीपोराइट वाली ट्यूब है इसको हम कहते हैं स्टोन केनाल और स्टोन ट्यूब। दरमियान वाली जो ये जो रिंग सा बना हुआ है, ठीक है, दरमियान वाली ये है आपके पास सेंट्रल केनाल, और जो हर आर्म के अंदर जा रही है इसको हम कहते हैं रेडियल केनाल। अब रेडियल केनाल में मज़ीद छोटी छोटी सी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, और इन ट्यूब्स के साथ एक मेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है दोनों साइड पे, इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है, ये एक्ट कर रहा था एज अ ट्यूब फीट, और जो बेलून लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं एम्प्यूला। अब होता क्या है कि वाटर इंटर होता है किसके अंदर सीव लाइक ओपनिंग के अंदर मैड्रीपोराइट के अंदर, मैड्रीपोराइट से वो कहाँ आता है स्टोन केनाल के अंदर, स्टोन केनाल से वो रेडियल केनाल के अंदर जाता है, रेडियल केनाल से आगे आपके पास क्या होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके साथ बैलून लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं ट्यूब फीट बोल रहे हैं, और पानी यहाँ आता है। फिर ये जो एम्प्यूला होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं एम्प्यूला, ये एम्प्यूला क्या करता है स्क्वीज करता है, और फिर इस तरह से स्टार फिश जो है वो मोशन में आ जाती है, लोकोमोशन भी करती है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूँ जिससे कि मैं लिखती होती हूँ। तो आपके पास क्या है वाटर 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 इंटर होता है मैड्रीपोराइट में, मैड्रीपोराइट से वो जाता है स्टोन केनाल, स्टोन केनाल में से वो आता है सेंट्रल केनाल, सेंट्रल केनाल से वो भी ईच आर्म हर आर्म के अंदर जाता है, और फिर क्या होगा कि हर आर्म में क्या है रेडियल केनाल। रेडियल केनाल और रेडियल केनाल के अंदर
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लस बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब फीट। और फिर ये ट्यूब फीट किसके अंदर हेल्प करता है, लोकोमोशन के अंदर, ठीक है। तो होप सो आपको वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि होता क्या है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम के अंदर। इसको हम एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं। वाटर इंटर होता है किसके अंदर, मेट्रोपोराइट के अंदर। मेट्रोपोराइट से ये कहाँ जाता है, स्टोन केनाल के अंदर जाता है। स्टोन केनाल से ये सेंट्रल केनाल के अंदर जाएगा। अब सेंट्रल केनाल जो है आगे कहाँ लीड कर रही होती है, रेडियल केनाल। और रेडियल केनाल कहाँ पे होती है, हर आर्म के अंदर होती है। अब इस रेडियल केनाल के अंदर आपके पास जो भी मैंने बताया था कि क्या होती हैं, ट्यूब लाइक छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उसके साथ क्या लगा होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट बोलते हैं। अब जैसे ही ये जो एम्प्यूला है, ट्यूब फीट है, ये क्या करेगा, स्क्वीज़ करेगा, इसमें से वाटर क्या होगा, रिलीज़ होगा। जब वाटर रिलीज़ होगा तो ये क्या करेगा, जो स्टार फिश होगी, जो भी एनिमल होगा, वो मोशन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, लोकोमोशन में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, कुछ होते हैं वो स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन स्पेशलाइज ऑर्गन की। तो नॉन स्पेशल ऑर्गन, इसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनके अंदर वो पुअरली डिवेलप होता है। तो जब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनके अंदर ओपन होता है। ओपन से मुराद क्या है, लास्ट टाइम भी मैं बता चुकी हूँ, तो ओपन से मुराद ये हो गया कि इनके अंदर जो ब्लड होता है वो किसके अंदर रन करता है, वो साइनेसिस के अंदर, कैविटीज के अंदर, स्पेसिस के अंदर रन करता है। और इसके पास ब्लड में कोई भी पिगमेंट, ठीक है, नो पिगमेंट इन ब्लड, ब्लड में कोई पिगमेंट भी नहीं होता। तीसरी बात ये आ जाती है कि इसके पास कोई भी पंपिंग ऑर्गन नहीं होता, डैट्स मीन नो हार्ट। तो इनके पास कोई भी हार्ट नहीं होता। जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम भी इनके अंदर पूरी डेवलप होता है, लेकिन इनके अंदर नर्व रिंग प्रेजेंट होते हैं। नर्व रिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर रिंग की शेप का नर्व प्रेजेंट होगा। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो फ्रेंजियल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, फ्रेंजियल रीजन फेरेंक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होगा। और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कौन से होते हैं, वो डाइजेशन और रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और डाइजेशन जो है वो इनके अंदर स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जब हम लोकोमोशन की बात करते हैं तो लोकोमोशन अभी मैंने पीछे से बता दिया कि विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो सारे का सारा अभी वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम के अंदर आपको समझ आ गई होगी, होप सो। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो सेक्सेस इनकी क्या है, वो सेपरेट होती हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो कौन सी करते हैं, वो इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर होती है। नेक्स्ट हैं, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दो टाइप्स का लार्वा इनके पास आ जाता है। एक होता है बायपनेरिया, सेकेंड वन इज़ बैराकुलेरिया। बायपनेरिया जो है वो इनकी अर्लियर स्टेज होती है, और सेकेंड जो स्टेज है वो बैराकुलेरिया स्टेज है। बैराकुलेरिया स्टेज है वो बायपनेरिया स्टेज को फॉलो करते हैं। इनके पास सीलिया होते हैं जिसकी हेल्प से ये वाटर के अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन बेसिकली है क्या, रीजनरेशन इज़ द एबिलिटी टू रीफॉर्म द लॉस्ट ऑर्गन। अब इनके पास ये एबिलिटी होती है कि इनके कोई भी इंजरी के दौरान, या फिर डिफेंस के दौरान, या फिर किसी प्रीडेटर ने अटैक किया है इसके दौरान, कोई भी इनका ऑर्गन है या कोई भी इनका पार्ट है, अगर वो लॉस्ट हो जाए तो ये क्या करते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है कि उसको दोबारा से बना सकते हैं, दोबारा से रीजनरेट कर सकती हैं। तो इस फाइलम की जो एग्जाम्पल्स आ जाती हैं वो आपके पास स्टारफिश है, बीटल स्टार, सी अर्चिन एंड सी कुकम्बर। अब यहाँ मैंने बात की है रीजनरेशन की, कि रीजनरेशन की बात की है तो अब मैं बताती हूँ कि रीजनरेशन ये कैसे करते हैं। अच्छा, तो अगर ये अपना पार्ट, फॉर एग्जांपल इनकी ये वाली आर्म कट गई, अब इसकी ये वाली आर्म कटेगी तो बाकी इस स्टारफिश के पास क्या है, चार आर्म्स हैं। तो अब ये क्या करेगी, पांचवी आर्म्स को दोबारा से बना लेगी। अगर इनकी आर्म ये वाली कट गई
ये वाली आर्म कट गई। तो अब इस आर्म के पास एबिलिटी है ये बाकी भी चार आर्म्स को रीजनरेट कर सकती है। अगर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा हो तो ये आर्म कहाँ से कटती है, इसके अंदर कोई भी सेंट्रल डिस्क या सेंट्रल किनाल नहीं कटी। अब इसमें क्या था, सेंट्रल किनाल साथ में कट की है, तो डेट्स वाई। अब क्यों, क्योंकि सेंट्रल किनाल में मैं यहाँ पे एक मार्क कर देती हूँ ब्लैक से, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, नर्व रिंग। जब नर्व रिंग प्रेजेंट होगा तो फिर क्या करेगी, जो वो वाली आर्म जिसके अंदर नर्व रिंग भी साथ में कट हो जाएगा, ठीक है, वो भी लॉस्ट हो जाएगा, तो उस आर्म में ये एबिलिटी होगी कि वो बाकी के चारों आर्म्स क्या करेंगी, अपने आप को रिजनरेट करवा। वो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, एफिनिटीज ऑफ एकाइनोडर्म। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो रिजिमलेंस की हम बात करते हैं जब कॉर्डेट्स के साथ, तो इनके पास भी क्या होती है, रेडियल क्लीवेज। क्यों, क्योंकि अभी हमने पीछे बात की है कि एकाइनोडर्म में ये एबिलिटी होती है कि लार्वल स्टेज में वो क्या करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं, क्लीवेज रखते हैं, और जब ये अडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो ये रेडियल क्लीवेज रखते हैं। तो रिजिमलेंस विद कॉर्डेट, कॉर्डेट भी क्या करते हैं, मीन हम ये कह सकते हैं कि एकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स दोनों में क्या होती है, रेडियल क्लीवेज होती है। दूसरी बात आ जाती है ड्यूटेरोसोम। तो ड्यूटेरोसोम क्या होंगे कि जब इनके अंदर ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर क्या करेगा, पहले एनएस की फॉर्मेशन होगी, तो डैट्स वाई इसमें ब्लास्टोपोर जो होगा वो एनएस की फॉर्मेशन देगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो एकाइनोडर्म्स होते हैं और कॉर्डेट्स होते हैं दोनों में क्या होती है, एनएस फॉर्मेशन पहले होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोस्ट्रोम बोलते हैं। सेकेंड, अगर हम इनकी केमिस्ट्री की बात करें तो फॉस्फोकैरेटीन होते हैं। तो फॉस्फोकैरेटीन कहाँ प्रेजेंट होती है, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और हेल्प करती है इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करती है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाता है स्केलेटन। तो स्केलेटन अभी हमने पीछे बात की थी कि इनके, क्योंकि मीजोडर्म से ही ओरिजिनेट होता है, डेट्स इनका स्केलेटन जो होगा वो दोनों के अंदर एंडोस्केलेटन हो सकता है। तो डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट की जो अर्लीस्ट स्टेज होती है वो इनकी सेम होती है दोनों की, कॉन्डेट्स की इकाइनोडर्म्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है सिमिलैरिटीज़ विद हेमिकोडेटा। तो हेमिकोडेटा से भी कुछ ना कुछ ये सिमिलैरिटीज रखते हैं, वो कैसे रखते हैं कि दोनों के अंदर सिलोम फॉर्मेशन होती है, ठीक है, दोनों के अंदर ब्लास्टोपोर डेवलप होता है, और वो किसकी फॉर्मेशन देता है, एनएस की फॉर्मेशन देता है, मीजोडर्मल एक्सोस्केलेटन होता है, डैट्स वाई इनको हम क्या कह सकते हैं, एंडोस्केलेटन भी कह सकते हैं। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में आपको बताती है, चलो यहाँ पे ये वो होती है जिनका एंसेस्टर, एंसेस्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके फीचर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, फीचर्स सिमिलर फीचर्स होते हैं, सिमिलर फीचर्स होते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।